Hi. So my travel from Bombay Pune Goa tour, और उसमें पूना से जब हम गोवा जाते हैं, जो कि पूना बेंगलोर हाईवे है। देखिए, पूना से गोवा जाने के या बॉम्बे से गोवा जाने के दो रास्ते हैं। एक जिसे हम कोस्टल रोड कहते हैं, जहाँ वो चिपलून और रत्नागिरी आते हैं, और ये दूसरी रोड है जहाँ पर पूना से निकलेंगे तो सतारा, कराड़, कोल्हापुर, तीन सबसे बड़े शहर आते हैं। और इसी रोड के साइड पे सांगली आता है, साइड मतलब काफ़ी मतलब अलग डायरेक्शन में जाके 20-25 किलोमीटर, लेकिन ये बिल्कुल रोड के ऊपर है, जो पूना से लेके गोवा या जिसे हम बेंगलोर हाईवे कहते हैं, ठीक रोड के ऊपर है। और इस समय मैं खड़ा हूँ क्योंकि देखिए बीच में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो हमने थोड़ा दूर वीडियो बना रहे हैं। आपको फिर भी पीछे बोर्ड नज़र आ रहा होगा, क्योंकि वहाँ से जब खड़े हुए तो एंगल नहीं आ रहा था। और फिर मैंने लोकल लोगों से बात की, अंदर गया 15 मिनट के लिए, बच्चों से बात की, तो नो डाउट ये जो पूरा कराड़ शहर है, जिसको हम आप एक 10-12 किलोमीटर की रेंज, 10-12 लाख पॉपुलेशन, एक डिसेंट शहर, एक पानीपत जैसा शहर, मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूँ, एक उदयपुर जैसा शहर, इस शहर का ओनली मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इज़ दिस। ये मुझे आगे लोकल लोगों ने बताया। आप पीछे देखेंगे तो जहाँ मतलब कैमरा मैन के पीछे तो एक मार्केट है, कृष्णा सहकारी बैंक लिमिटेड, एक देखिए। और यहाँ मैंने लोगों से बात की तो थोड़ी पीछे तो गाड़ी निकल लिया थोड़ी पीछे तो यहाँ मैंने लोगों से बात की कि देखिए सामने एक कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ से कभी कभार आपको ट्रू फीडबैक मिलता है, और वो ट्रू फीडबैक यही है कि दिस इज़ द ओनली मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो यूजी पीजी सब है। फिर से मैं बात करूँ, लोकेशन नो प्रॉब्लम, और ये वो थोड़ा एरिया है जहाँ से देखिए कभी कभार मैं दुकानों के बोर्ड से पता चल जाता है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि महाराष्ट्र में भी कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर मराठी कल्चर आना शुरू हो जाता है, जैसे कि अहमदनगर, जहाँ पर वो जो लोनी वाला कॉलेज है। लेकिन ये जो पुणे से गोवा की बेल्ट है, ये हिंदी ही यहाँ पर मेजर है, थोड़ा बहुत मराठी भी आना शुरू हो जाता है, मतलब इसे मिक्स ऑफ हिंदी मराठी, हर आदमी हिंदी समझता है। और वही मैंने कहा कि ठीक सामने जो कृष्णा मेडिकल स्टोर है वो हिंदी में लिखा हुआ है, मराठी में नहीं। लेकिन हाँ भाई, मैं उधर देखते हुए बोल तो नूगा बेस्ट फ्री थेरेपी वो प्योर मराठी में लिखा हुआ है, यही आप समझिए ना, ये सब टिपिकल साइन बोर्ड जो प्योर मराठी में है। और यही मैं आप लोगों को समझाता हूँ, स्पेशली अगर हम नॉर्थ इंडिया या हिंदी बेल्ट जिसे हम कहते हैं राजनीति की भाषा में, और जब आप नॉन हिंदी बेल्ट में जाते हो तो बहुत इशू शुरू हो जाते हैं लैंग्वेज के। पेशेंट फ्लो एक चीज़ है, बट आपको पेशेंट से बात करनी है, लेकिन पेशेंट तो देखिए जनरली अस्पतालों में, चाहे अच्छे से अच्छा प्राइवेट हो, सरकारी हो, खासकर सरकारी में तो आम जनता आती है ना। खैर ये तो मल्टी स्पेशलिटी है, यहाँ हर तरह का क्लाइंट आता है, जो कि कराड़ का एक हाई एंड कस्टमर भी होगा, लेकिन लोकल पॉपुलेशन भी आएगी, तो यहाँ तो फिर भी चल जाता है। सरकारी में खैर वो एंगल बहुत ज़्यादा होता है कि सरकारी जहाँ पर होते हैं और वहाँ जो जनता आती है वो सिर्फ लोकल लैंग्वेज बोलती है। और जैसा मैंने कहा, महाराष्ट्र में फिर भी हिंदी मराठी चलती है और लोगों को आदत है, बट फिर भी मैंने महाराष्ट्र में भी लोगों को देखा है जो सिर्फ मराठी बोलते हैं। बॉम्बे में भी देखा है मैंने लोगों को, बट ये बॉम्बे पूना कोल्हापुर बेल्ट तक फिर भी हिंदी चलती है। लेकिन हाँ, और आप उधर जाते हो, असली महाराष्ट्र इसको बोलते हैं, जहाँ पर वो लातूर वगैरह है, वहाँ पर लोग सिर्फ और सिर्फ मराठी बात करते हैं। तो हमें उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उसके हिसाब से। और जैसा कि हमने बोला कि यूजी पीजी ऐसे पढ़ाए जाते हैं, और कहीं कोई दिक्कत है नहीं। ये दो बच्चे जा रहे हैं, शायद सामने ही कॉलेज भी जा रहे हैं, यहाँ पर फोटोशूट कराने आए होंगे। तो सब कुछ है, बजट इसने कॉलेज बहुत बढ़ा दिया है, और 2023 के हिसाब से शायद 125-130 का पैकेज पड़ रहा था। तो यस, बजट इज एन इशू। तो अगर आपको जॉली ग्रांड मिल रहा है, अगर मैं नॉर्थ इंडियंस की बात करूँ, सेंट्रल इंडियंस की बात करूँ, आपको गुरु राम राय मिल रहा है, एमएमओ मुलाना मिल रहा है 1.1 में, या एमएमओ मुलाना से भी वैसे तो थोड़ा बेटर हो जाएगा, तो 20 लाख का फ़र्क भी पड़ेगा, तो उसके हिसाब से इट इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन। लेकिन हाँ, अगर हम 1-10 खर्च कर ही रहे हैं, तो बजाय कि हम किसी फालतू कॉलेज में जाएँ, दिस शुड बी अ क्राइटेरिया। तभी इसी भी कट ऑफ काफ़ी ऊपर ही रहती है, 300 नंबर के ऊपर ही रहती है, क्योंकि मैंने आपको बाबा वो लॉजिक दिया जो महाराष्ट्रियंस की प्रॉब्लम है, कि यहाँ पर स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस आर टू चीप, SC ST फ्री, OBC 3 लाख रुपये साल की फ़ीस, तो कोई छोड़ता नहीं इन सीटों को। तो डीम्ड में इट इज़ ऑल्सो डीम्ड यूनिवर्सिटी, मतलब डीम तो बहुत सारी है, बट MCC के अंदर काउंसलिंग होती है, तो 85% सीटें जनरल, 15% सीटें मैनेजमेंट। तो वही जो महाराष्ट्र का 400 नंबर का बच्चा है वो कहाँ जाएगा, आसपास कहीं जा नहीं सकता। अक्सर मैंने देखा कि महाराष्ट्र के बच्चे डरते हैं यूपी बिहार तक जाने से, तो फिर वो अपना काम लोकल में चलाते हैं यहीं पर। ओके, सो ये है
और आप जानते हैं नंबर 9643362320, कॉल कीजिए और हमसे अगर काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। बाय बाय, टेक केयर।